हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फंदे बंद करना। पिछली वीडियो में मैंने आपको फंदे उठाना बताया था। देखिए, ये बगल का बॉर्डर बनाया है मैंने, यहाँ पर फंदे उठाना मैंने आपको बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उल्टी सिलाई है, ये उल्टी सिलाई बुनते हुए हम फंदों को बंद करेंगे। देखिए, दो फंदों का एक कर लेंगे हम स्टार्टिंग से, ऐसे में दो का एक करेंगे। इसके दो तीन तरीके होते हैं दोस्तों, मैं आपको सबसे सरल वाला तरीका बता रही हूँ। इससे सुंदर भी दिखता है और जो है बहुत ही आसान भी है। देखिए, अब इस फंदे को हम फिर से इसी वाली सिलाई में मैंने डाल दिया है, इसी में डाल देंगे। अब इस फंदे को और इस अगले वाले फंदे को फिर से बुनेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा टाइटली बुनना है आपको। ये देखिए, फिर से इस फंदे को डालेंगे और अगला फंदा लेते हुए बुन लेंगे। फिर से इसको इसी में डालेंगे, अगला फंदा लेते हुए इसको बुन देंगे। थोड़ा टाइट टाइट बुनेंगे ऐसे में। ये देखिए, यही हमको रिपीट करते जाना है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फंदे कैसे बंद हो रहे हैं। ये देखिए, एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन जैसा भी आ जाता है यहाँ पर, और हमारे फंदे भी देखिए यहाँ से यहाँ तक बंद हो गए। ऐसे रिपीट करना है आपको, ऐसे ही सारे फंदे बंद कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। ये अभी लास्ट फंदा बच चुका है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आपकी कम ऊन हो, थोड़ी सी बची हो, तो आप उसको छोड़ लीजिए। इसी से आपको सिलाई कर लेनी है नीचे को, जब हम जोड़ेंगे इसको सिलेंगे। अगर आपका ज़्यादा बड़ा गोला है तो इस फंदे को ही आप लूज कर लीजिए, इतना बड़ा कर लीजिए, और इसके अंदर से अपना गोला इस तरह से, माना ये गोला है, ऐसे में निकाल के यहाँ पर ऐसे में एक लूप लगा देना है। सॉरी, लूप नहीं, यहाँ पर एक नोट लगा देनी है आपको ऐसे में। ये देखिए, नोट लग जाएगी फंदे में। ये देखिए, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ऊन बचा है, तो ये सिलाई के काम आ जाएगी मेरी। मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ। अगर आपका ज़्यादा है, थोड़ा सा आपको बचा लेना है जितना सिलाई में आए, और बाकी कट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, फंदे बंद करने के बाद जो ये लाइनिंग देख रहे हैं आप बारीक सी, ये फंदे बंद करने के बाद ही ये लाइन बन जाती है। ये देखिए, बहुत सुंदर दिखता है। देखिए, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, फंदे बंद करते हुए आई है। अगर आप लूज बुनेंगे तो ये थोड़ा बड़ी दिखेगी आपको, ढीली ढाली दिखेगी, बड़ी दिखेगी। और मैंने बारीक, बहुत टाइटली बंद किए हैं, तो ये छोटी सी बारीक सी लाइन यहाँ पर दिख रही है। देखिए तो फ्रेंड्स, अब इस जैकेट में मेरा सिलाई का काम और बटन लगाने का काम बच गया है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह दिख रही है ये। अभी मैंने इसमें सिलाई नहीं लगाई है। ये देखिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी अब, और बटन लगा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।